जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि एएसपी परबत सिंह के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ हेतु कार्यवाही के क्रम में मंगलवार को थाना अधिकारी बस्सी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान सरहद भिलिया खेड़ा रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें संदिग्ध होने पर रुकवा कर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम मिली। अवैध अफीम व मोटरसाइकिल को जब्त कर बल्दरखां थाना बस्सी निवासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना बस्सी पर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है।